अच्छी तरह मैदा मैंने छानना है, और ये दो ये वाले डाले हैं, ये दो डाले हैं। अब इसकी तरह छान के दो ये वाले मैदे की और एक सूजी का, इसी तरह एक चीनी, इसी तरह ये भी एक खुश्क दूध, आप कोई सा भी ले सकते हो, ये भी एक। और ये मैंने एक पाव लिया है पिसा हुआ नारियल, लेकिन इसको हम गूंथ लेंगे भी दूध से, और बलाई से भरा हुआ है ये दूध। अब इसको हम घी भी मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसको भी ये इसी तरह मैं, और आप इसको अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। और इधर मैंने ये जगह भी खुश्क कर ली है, बहुत अच्छी तरह साफ की है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा मैदा, और इधर मैं रखूंगी, ये रेस्ट हो गया इसका, ये पहले आप सारा ये मैदा थोड़ा ज़्यादा लगाएं, और ये देखें सर्दियों में ये खाने का मज़ा ही कुछ और है। और रात के खाने के बाद ना अक्सर ज़्यादा दिल करता है कि आपको दवाई का बता रही क्यों, कल आप ये दिखाओ, ये देखिए ये मैदा अगर ज़्यादा हम लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। और वो देखे मेरी बेटी ने वो कितनी प्यारी गोल गोल बनाई है, और ये देखिए वेरी गुड, ये बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है साथ साथ। और अभी मैं अपनी छोटी बेटी को ना चेक करने के लिए दे रही हूँ, इसे बताती हूँ, ये मुझे बताएगी कि कैसा बना है, ठीक है। यू आर नॉट अ किड, यू आर अ किडो किडो, उसी से बड़े किड किडो, ये अंदर से अभी कच्ची है, ये इधर रखो, खा के दिखाएं जी। हाँ जी, आप क्या होता है बहुत मजे का, इट्स सो टेस्टी, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, वेरी गुड। शुगर भी इसके अंदर अच्छी खासी डाली हुई है, बिल्कुल ठीक है। और ये आप किड्स को खिला सकते हैं, जैसे मैं किड हूँ, जो मैं इसको इतने मज़े से खा रही हूँ, तो आप भी अपने घर पे बना के ज़रूर खाएं।